Hi guys, this is Sahil again, back from All In One Vlogs. So guys, आज हम आए ओखला बर्ड सेंचुरी. ये गौतम बुद्ध नगर के पास है, नोएडा की स्टार्टिंग पे ही है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे. तो आप एक बार व्यू देख सकते हैं कितनी बढ़िया यमुना रिवर है मेरे पीछे, और मतलब काफ़ी गहरी रिवर है. एक बार हमारे पीछे आप व्यू देखो, और इस रिवर के बीच में देखो ये छोटे 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 आइलैंड्स बने हुए हैं. इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब प्लांटेशन हुई हुई है. तो मेरे पास ये देखो एक पाकू फिश का पेयर है, एक ब्लैक पाकू है, एक रेड बेली पाकू है. तो ये मैंने एक अपने यहाँ एक लोकल पेट स्टोर से ख़रीदी थी, पर उसने मुझे बोला कि किसी ने ये फिशेस पाल के बेबी से बड़ी करी, रेस करी और इनको मुझे दे दिया. पर ऐसा नहीं था, जब मैंने घर लाया 10 डेज से इन फिशेस ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया. और मतलब इससे मुझे पता चला कि ये किसी मतलब फ़िशिंग करते करते कॉट फिशेज़ हैं, और ये मतलब घर पे रेज करी हुई फिशेज़ नहीं है जो टैंक में रेज होती हैं. तो इस टाइम पे मैं इन फिशेज़ को यहाँ रिलीज़ करने आया हूँ. ओखला बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे देख सकते हो वाटर लेट्यूस, लोटस, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और जो नेचुरल मॉस होती है वाटर में वो भी हैं, और इसके अंदर और भी कई छोटी फिशेज़ हैं. जब आप मतलब इस रिवर के यहाँ आओगे तो आपको अंदर से नीचे से बबल्स निकलते नज़र आ जाएंगे, तो उन बबल से आपको पता चल जाता है कि नीचे इसके फिशेज़ वगैरह हैं. तो आओ गाइस, इसे रिलीज़ करते हैं इन फिशेज़ को फटाफट से. तो इनकी पैकेजिंग ओपन करते हैं. ये 7 से 8 इंच का पाकू फिश का पेयर है जिसे आज हम रिलीज़ करेंगे. तो गाइस, कभी भी आपको कोई फ़िश का ब्रीडर या फिर कोई लोकल फ़िश सेलर बोले, या फिर कोई फोर्स करके कोई मतलब कॉस्टली फ़िश सस्ते में दे दे, तो एक बार उस फिश की हिस्ट्री ज़रूर चेक करना. और मेरा बोलना ये है कि जैसे पाकू फ़िश हो गई, या फिर बहुत लोग पिराना फ़िश ले लेते हैं, या फिर सिल्वर बार, कोई कार्प होती है जो, ये सब ले लेते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कैट फिशेज होती हैं ना, तो वो वैसे आपको कभी नहीं लेनी चाहिए. क्योंकि मेनली इंडिया में लोगों के पास जितने भी घरों में टैंक हैं, उनके थ्रू जो कैट फिशेज़ वगैरह भी होती हैं, वो साइज़ में 2 फुट तक कभी नहीं जा पाती. तो गाइस, एक बार मैं आपको पॉलीथिन में दिखाता हूँ मेरी फ़िशेस. ये 2 पाकू फिश हैं देखो, और इनके जो टीथ हैं ना, इनके टीथ भी अभी बिल्कुल सही हैं. जो बचपन से घर पे पाली हुई पाकू फिश होती हैं, उसकी एक जान पहचान होती है कि उसके जो टीथ होते हैं
वो कमर्शियली मेड फूड्स को च्यू कर करके और क्रश कर करके उसके टीथ जो होते हैं बिल्कुल घिस जाते हैं, और जो पाकू फिशेस इन रिवर्स में रह के मतलब प्लांट्स वगैरह खाती है उसके टीथ जो होते हैं वो कभी भी ग्राइंड नहीं होते, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और किसी पाकू को यहाँ छोटी फिश मिल जाए अगर वो फ्लैश चबाती है तो फ्लैश चबा के भी उसके दांत कभी भी ग्राइंड नहीं होते और ब्लंट नहीं होते, तो इसके इसके दांत तो है ही नहीं, तो इस वजह से एक बार और से छोड़ दें। पर गाइस करेक्ट स्पॉट फाइंड करते हैं जहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारी लीव्स हैं तो मुझे पता नहीं कि वो लीव्स इस वक्त मतलब ज़मीन पे उगी हुई हैं या पानी के अंदर वाटर लेटिव्स हैं, तो एक बार देखते हैं इसकी डेप्थ नाप के कि कितनी ज़्यादा डेप्थ में है पानी जहाँ पे मैं इन्हें छोड़ने वाला हूँ। तो एक ही बड़ी वाली स्टेम ले लेता हूँ मैं, एक बड़ी वाली स्टेम से देख लेता हूँ कितनी गहराई है और मुझे इन्हें किस जगह पर छोड़ना है। एक बार देखते हैं कहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो पानी नहीं है, यहाँ पे भी वाटर नहीं है, वाटर बहुत ज़्यादा आगे जाके है, यहाँ पे है काफ़ी डीप वाटर, तो मैं एक बार देखता हूँ इन फिशेस को कैसे छोड़ना चाहिए। अभी ये यहाँ पे वाटर के अंदर ना वाटर लेट्यूस उगे हुए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा साइड करना ज़रूरी है जिससे कि मछलियाँ जो हैं इसके और इसकी रूट्स में इसका मतलब रूट्स का बेड बन जाता है एक नीचे जिसमें स्टक ना हो जाएं। तो अभी हमने एक ट्री की बार खिली है जिससे कि हम वाटर लेट्यूस साइड कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं थोड़े, तो उनके जितने भी स्टेम है आप देखो ये पीछे कर रहे हैं अभी हम। तो गाइस कभी भी आना तो आपने कभी अपने पेट स्टोर पे देखा होगा कि जो वाटर लेट्यूस वगैरह होते हैं वो सेल होते हैं, तो प्लीज़ कभी भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब मत करना कि आप वाटर लेट्यूस या फिर मॉस या फिर कोई ट्यूलिप्स अपने घर पे ले जाओ, वाटर लिली जो होती है। सो गाइस अभी अपने फिश को रिलीज़ करते हैं, एक बार थोड़ा सा और साइड करना पड़ेगा। A few moments later. So guys, finally it's time to release my paco fish. So आज ये fish यहाँ पे release होने जा रही हैं, और guys इसकी जो polythene होती है इसको ध्यान से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस वक्त तीन polythene के लिए आराम देख सकते हैं, जब मैं घर पे था तो इन्होंने मेरी तीनों के तीनों polythene काट दी थी, और usually ये मतलब जो आपकी finger होती है उस पर nip कर सकते हैं हल्का बहुत, तो इसे release करते हैं gently, इसे ऐसे पकड़ो। जो फिश थी हमने उसे रिलीज कर दिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। आपको और भी एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ मैं ओखला बर्ड सेंचुरी का गौतम बुद्ध नगर में, उतनी देर आप एक बार व्यू लो।